हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू खुशखबरी लेकर। तो गाइस मैं आज आपको बता दूं एक गुड न्यूज। तो गाइस पबजी रेंगल का अपडेट आ चुका है आज। तो गाइस आप चाहते हो उसको अपडेट करना, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हो गाइस। और मैं आपको बता दूं वो वेबसाइट का कौन सा नाम है, तो गाइस आप वहाँ पे जाकर अपडेट कर लेना गाइस। और आपके मोबाइल में पबजी चल रहा हो तो आप वहां जाकर अपडेट कर ले, जिसके मोबाइल में नहीं चल रहा है गाइस थ्रू थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़े दिनों में पबजी वापस आने वाला है गाइस। अनबैन हो जाएगा इंडिया में गाइस। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में पबजी क्यों आया था गाइस, जो इंडिया का डाटा कंसर्न और जो सिक्योरिटी थी उसको लेकर इंडिया में पबजी बैन हो गया था। जो अपने इंडिया गवर्नमेंट है उनका कहना था कि पबजी जो अपनी डाटा पॉलिसी है वो चाइना में भेज रहा था, इस वजह से पबजी बैन हुआ है इंडिया में गाइस। मैं आपको बता दूं जो पबजी कम्युनिटी है जो टीसेंट के साथ 10% का हिस्सा था टीसेंट का पबजी में, तो गाइस आप पबजी जो 10% का हिस्सा वो वहां से तोड़ देगा रिलेशन पूरा, अब कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा टीसेंट के साथ में गाइस। पबजी है वो वापस इंडिया में आएगा गाइस। और पबजी में एक और अपडेट आने वाला है इसके, जो पबजी कम्युनिटी है उनका कहना है कि जो पबजी अब जो न्यू लॉन्च होगा गाइस वो खाली इंडिया में चलेगा, जो इंडिया से बाहर के लोग वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे, खाली इंडिया में ही चलेगा गाइस। जो अभी पबजी कम्युनिटी उन्होंने एक नोटिस रिलीज किया था गाइस, मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन पर गाइस आप देख सकते हो गाइस। और मैं आपको बता दूं कि पबजी जल्द ही अनबैन होगा और गाइस इंडिया में वापस आएगा और आप फिर से खेल पाएंगे इंडिया में पबजी। तो गाइस मैं आपको अब वो वेबसाइट का नाम बताने वाला हूँ, आप वो वेबसाइट पर जाकर जो अभी अपडेट आया 2.0 गाइस वहां से जाकर आप अपडेट कर सकते हो पबजी को। तो गाइस चलिए अब मैं आपको वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनना। और वो वेबसाइट पर जाकर आप अपने पबजी को अपडेट कर सकते हो गाइस। तो चलिए फर्स्ट वेबसाइट है गाइस अप टू डाउन, आप वहां पे जाके उसको अपडेट कर सकते हो पबजी को गाइस। फिर आप चाहो तो पबजी का जो न्यू एरेंगल आया गाइस आप उसको खेल सकते हो गाइस, लेकिन जिसके मोबाइल में चल रहा है गाइस उसी के मोबाइल में अपडेट होगा गाइस, जिसके मोबाइल में नहीं चल रहा है वो अपडेट उनका पता नहीं गाइस। और आप चाहो तो वीपीएन सेट कर भी खेल सकते हो गाइस, लेकिन वीपीएन आपको यूएसए का सेट करना गाइस वहां पे अभी, क्योंकि पबजी अनबैन नहीं हुआ इस वजह से आप पबजी वीपीएन जो वीपीएन टेक यूज कर रहा होगा गाइस आप यूएसए सेट करना, क्योंकि आपका पबजी अच्छे से चलेगा। और गाइस आपको दूसरी वेबसाइट का नाम बता दूं, वो दूसरी वेबसाइट है एपीके प्योर गाइस, आप वहां पे भी जाके पबजी को अपडेट कर सकते हो गाइस एरेंगल को। तो गाइस आप ये अपडेट करने के बाद आप अच्छे से पबजी खेल पाओगे और आप चाहते हो पबजी जल्द वापस आए, तो गाइस पबजी जल्द वापस आएगा गाइस। इंडिया के गवर्नमेंट ने बोल दिया और पबजी जो कम्युनिटी है उन्होंने बोल दिया गाइस, इंडिया की गवर्नमेंट का पता नहीं लेकिन गाइस जो पबजी कम्युनिटी है उन्होंने जरूर बोल दिया कि पबजी वापस आएगा गाइस। आपको बता दूं जो पबजी है वो टीसेंट से जुड़ी है गाइस, और टीसेंट आपको पता है चाइना का है। तो गाइस अब जो पबजी कम्युनिटी है उनका कहना है कि पबजी जो टीसेंट के साथ उनका रिलेशन था वो अब तोड़ देगा गाइस, और जो पबजी कम्युनिटी है वो वापस इंडिया में आएगी। जो इंडिया के गेमर कम्युनिटी उन लोगों के साथ काम करेगी गाइस, फिर पबजी इंडिया में भी चल सकेगा गाइस और पबजी अनबैन हो जाएगा गाइस। और आपको बता दूं कि जो टीसेंट है उसका 34 मिलियन की इनकम थी इंडिया से गाइस, आपको पता ही होगा कितना ज्यादा लॉस हो रहा होगा। इस वजह से जो टीसेंट है इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ बातें चर्चा की थी वो उन्होंने मान ली। टीसेंट का कहना है कि आपकी बातें मानकर जो डाटा पॉलिसी और सिक्योरिटी से लेकर बातें थी, तो गाइस वो टीसेंट का कहना है कि अब वो इंडिया में आ जाएगी वापिस, और जो इंडिया की गेमर कम्युनिटी उन लोगों के साथ काम करेगी गाइस। तो पबजी जल्दी वापिस आएगा, इंतजार करिए गाइस। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए गाइस। और आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लीजिए। चलिए गाइस आज के वीडियो में इतना ही।